सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गढ़वा कितार प्रखंड क्षेत्र में सभी विद्यालय में उपायुक्त के आदेशानुसार जिला में निर्मल कुमार के साथ कितार प्रखंड विकास पदाधिकारी मुकेश मछुआ सीआरपी रमेश रजक विद्यालय से जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, उसके निरीक्षण किया गया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय बासगी कला, नव प्राथमिक विद्यालय मायर उत्क्रमित, नव प्राथमिक विद्यालय लतमरवा में जांच की गई है, जहां विद्यालय में जाति प्रमाण पत्र का आवेदन दस्तावेज जमा किया जा रहा है। वहीं निरीक्षण के दौरान निर्मल कुमार ने बताया कि सभी लोगों को आभा कार्ड प्रज्ञा केंद्र जाकर आभा कार्ड जरूर बनवा लें। निर्मल कुमार द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि कितार प्रखंड के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा पहली से बारहवीं तक के विद्यार्थियों के दिनांक 1 सितंबर 2022 से 15 सितंबर 2022 तक अभियान चलाकर जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य। विद्यालय में अध्ययनरत वैसे छात्र छात्राएं जिनका जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बन सका है, वैसे सभी विद्यार्थियों का जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने हेतु सभी विद्यालय के साथ प्रज्ञा केंद्र के कर्मियों को चेक किया गया है। जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु प्रज्ञा केंद्र के कर्मी संबद्ध विद्यालय में जाकर रोस्टर के अनुसार प्रधानाध्यापक और शिक्षक के माध्यम से निर्धारित कक्षा के सभी विद्यार्थियों का कागजात झार सेवा पोर्टल पर ऑनलाइन करेंगे एवं प्राप्ति रसीद प्रधानाध्यापक को सौंपेंगे, जिसे वर्ग शिक्षक के माध्यम से संबंधित छात्र छात्राओं को दे दिया जाएगा। डीसी सर गढ़वा के आदेशानुसार मैं अधीक्षक उत्पाद गढ़वा एवं वीडियो साहब के कार के साथ तीन चार विभाग में या तीन चार निजी विद्यालय में जाकर आभा कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में औचक निरीक्षण किया। सभी जगह फॉर्म लिए जा रहे हैं और काम किया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है और इसके 100% जाति प्रमाण पत्र एवं आभा कार्ड बनाने हेतु हम लोग प्रोत्साहित लोगों को कर रहे हैं।